खाई जेल की हवा, विवियन डिसेना से लिया पंगा, चाहत पांडे है इनका नाम, बिग बॉस अठारह के घर में मच रहा है इनका कोहराम। चाहत पांडे की एंट्री बिग बॉस के घर में काफी फिल्मी रही। सलमान खान से बात करते हुए चाहत ने बताया कि वो अपनी मम्मी से काफी ज्यादा प्यार करती हैं और जो मम्मी कहेंगी वही चाहत करेंगी। अब जब चाहत के हर जगह हो रहे हैं इतने ज्यादा चर्चे, तो चलिए डालते हैं उनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज पर एक नज़र हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेल इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल में। साल 2020 में चाहत और उनकी मम्मी को दमोह पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चाहत और उनकी मां पर मामा के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा था। आरोप था कि दोनों ने मामा के घर में ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि बाद में मां और बेटी दोनों को इस मामले में बेल मिल गई थी। बिग बॉस 18 के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान चाहत को सलमान खान ने पूछा कि खबर है कि आपकी वजह से आपके को-स्टार अविनाश मिश्रा को शो छोड़ना पड़ा था। इस पर चाहत ने कहा था कि किसी को निकाले जाने में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 एपिसोड्स पूरे किए, वो अपने शो की हीरो भी थी और हीरोइन भी। ऐसे में मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन शो में आ रहा है, कौन शो से जा रहा है, उन्हें तो बस चाहत मैटर करती थी। हमारी बहू सिल्क में चाहत पांडे जान खान के अपोजिट नजर आई थी। ये शो काफी जल्दी बंद हो गया और पूरी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स को उनकी फीस एक साल तक नहीं मिली। इससे परेशान होकर खबर है कि चाहत ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी और ये खबर खुद उनके को-स्टार जान खान ने बताई थी। उन्होंने कहा था चाहत ने वास्तव में आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन तभी वहाँ उनकी माँ आ गई जिनकी वजह से उनकी जान बच गई। चाहत ने पैसे ना मिलने के बारे में हमारे चैनल टेली मसाला से भी बात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कुछ नहीं, जब मैंने उनसे बोला था, जब क्योंकि मैंने पिछले जो शोज किए हैं उनकी जो सेविंग्स थी वो मैंने हमारी बहू सिल्क में लगाई, तो तब उस टाइम मतलब बहुत प्रॉब्लम में थी मैं, क्योंकि इतना जो ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस होता है वो सब मैंने अपनी सेविंग्स से किया। और जब यू नो लैंडलॉर्ड को भी मैं कब तक बोलूंगी कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, बिकॉज उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो अपना रेंट मांगेंगे ही अगर हम रह रहे हैं। तो जब मैंने प्रोड्यूसर से बोला तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से ही हम लोग पेमेंट्स मांगते रहे कि सर यू नो एक प्यार से कि सर दे दीजिए, और वो बहाने बनाते रहे कि अगले महीने अभी चैनल से पेमेंट नहीं आ रहा है हमारे पास, तो हम आपको पैसा कैसे दें, जैसे ही चैनल से आएगा हम देंगे, आप लोग वेट करिए। तो हम सब वेट करते रहे और अब जब पेशेंस लेवल हमारा खत्म हो गया है तब जाके हम सब सामने आए हैं और मीडिया में अपनी बात रखी है हमने। बिग बॉस 18 की शुरुआत में चाहत और विवियन के बीच लड़ाई देखने को मिली, जहां मुद्दा था बेड। इन दोनों के बीच नफरत इतनी पैदा हो गई कि अब वो दोनों एक दूसरे को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते, कभी खाने की टेबल पर, कभी वॉशरूम एरिया में, तो कभी वीकेंड का वार में। दोनों एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते ही हैं। वहीं एक एपिसोड के दौरान चाहत ने खाने की चीज रजत पर फेंक दी थी, जिसके बाद रजत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो चाहत पर काफी बुरी तरह भड़क गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाहत को स्टार प्लस के फेमस शो राधा कृष्ण में राधा के किरदार के लिए चुना गया था। हालांकि किसी वजह से चाहत इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई, जिसके बाद उनकी जगह मल्लिका सिंह ने ली। खबर थी कि चाहत और मेकर्स की किसी बात पर राय मैच नहीं हुई, जिसके बाद चैनल ने उन्हें शो से निकालने का फैसला किया था। चाहत की किस कॉन्ट्रोवर्सी ने किया आपको शॉक, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। और टेलीविजन से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेली मसाला को।